डियर गर्ल्स, आज ना जीन्स पहनना बंद कर दो, क्योंकि आगे जाके आपके जीन्स पहनने की वजह से आपके बच्चे ट्रांसजेंडर पैदा होंगे। तो आज से जीन्स पहनना बंद। वेट वेट वेट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक प्रोफेसर कह रहे हैं। आज दोपहर की बात है, मैं मेरा रेडियो शो दैट इज मिर्ची हैंगआउट, जो कि अहमदाबाद में ऑनर होता है, उस पर बात कर रहा था। तभी सडनली एक आर्टिकल ने मुझे शॉक कर दिया। इट वॉज अबाउट अ प्रोफेसर हु मेड अ कॉमेंट ऑन गर्ल्स, ऑन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। ये भाई साहब का नाम है रजत कुमार। इनको अगर गूगल करेंगे तो इनके इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि ही इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेंट्स। बट इस कॉमेंट ने तो हद ही कर दी कि लड़कियां या औरतें अगर जीन्स पहनती है या फिर लड़कों जैसा बिहेव करती है तो आगे जाके उनके बच्चे ट्रांसजेंडर पैदा होंगे। यू नो, इस कॉमेंट में दो इश्यूज हैं। एक तो ये डिग्रेडिंग है अगेंस्ट वुमेन, और दूसरा बच्चे ट्रांसजेंडर पैदा होंगे उस बात पे इतनी भसड़। LGBTQ, जिसमें टी मतलब ट्रांसजेंडर। इंडियन लॉ की अगर बात करें तो थैंकफुली इन 2014 ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पे जगह दी गई है। तो यार, पैदा होने वाला स्ट्रेट हो या फिर LGBTQ से हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इंसान नहीं है? एटलीस्ट वो ऐसी कॉमेंट तो नहीं करते कि लड़कियों जीन्स मत पहनो। सो स्टॉप बींग रेसिस्ट टू एनी ह्यूमन फॉर एनी रीजन। इंसान LGBTQ से हो या फिर स्ट्रेट हो, फर्क उसकी चॉइसिस से नहीं, उसके इंसान होने से पड़ता है। थिंक अबाउट इट।